ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। लालू के बाद अब उनका बेटा नीतीश शाह के कोई दाएं बाएं जब ईडी बुलाएगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता। और मुख्यमंत्री की अगर इनके बनते ही ना लालू जैसा राज आ जाएगा, फिर गुंडा राज हो जाएगा। नकार दिया आज भैया, जातिवादी से निकलो, अपना जीजा मत चुनो, सरकार चुनो। कोई ये बताइए कि जिस तरीके से मनीष कश्यप पे कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि ये सारी कार्रवाई साजिशन की गई है या जो है पत्रकार को परेशान करने का मकसद? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सच्चाई दिखाएंगे, आप लोगों तक बात अपनी पहुंचाएंगे, लोगों का पीड़ा दिखाएंगे, लोगों का दर्द दिखाएंगे, तो आपको रोका जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आप पे लाठी चलाया जाएगा, तो यही किया जा रहा है। बस सच्चाई को, मैंने आपको पहले ही कहा, सच्चाई को दबा सकते हैं, कुछ समय तक शांत कर सकते हैं, बस सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। तो सच्चाई कभी नहीं मिटेगी, वो उजागर होके अपना भौकाल रूप लेके छाएगी। आने वाले समय मुख्यमंत्री देख रहे हैं, देखिए ये इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ अच्छे व्यक्तित्व के हैं, एक अच्छा मीडिया जगत में उन्होंने नाम कमाया है और बिहार का नाम उजागर करने के लिए उन्होंने विभिन्न विभिन्न कार्य कर रहे हैं और वो आगे बढ़ते रहेंगे, हम सभी लोग उनके साथ हैं। सर बताइए कि बिहार में जिस तरीके से मनीष कश्यप पे कार्रवाई हो रही है, आपको क्या लगता है बिहार सरकार जो बोलती है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है, खुद पुलिस का इस्तेमाल करके उनको जेल में सड़ा रही है, परेशान कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए बिहार में तो पूरी तरह जंगल राज है, इससे कोई लोग मुकर नहीं सकते कि वहाँ पूरी तरह अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर गरीबों पर जुल्म ढाया जा रहा है। जो नेता लोग हैं वो अपने मज़े में हैं, ऐश में हैं नेता लोग। सिर्फ एक कहना चाहता हूँ मैं आपके इसमें कि कहते हैं ना, जिसके हाथ में लाठी उसके पास भैंस, ये कहावत वहाँ चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो जो पत्रकार के साथ है, सारे देश के लोग उसके साथ खड़े हैं, चाहे ये राजनीतिक दल ना उनके साथ खड़े हों, पर हमेशा असत्य पे सत्य की जीत होती है, ये होके रहेगी। आपको लगता है जैसे कि अभी मनीष कश्यप ने जिस तरीके से चैलेंज किया कि अगर जो है हम छूटते हैं जेल में तो 180 दिन में तेजस्वी की सरकार गिरा देंगे, आपको लगता है कितना सही है या गिरा पाएंगे कि नहीं? क्योंकि कह रहे हैं एक ना पढ़ा लिखा जो है बिहार का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनता है, तो उससे तो बढ़िया हम है ना, हम चलाएं, हमारे जैसे युवा चलाएं सरकार। अभी मैंने आपको बोला कि वहाँ जंगल राज है, जो कश्यप है वो काफ़ी पढ़ा लिखा भी है, सुलझा हुआ व्यक्ति भी है, और ये जो राज गद्दी का चक्कर चलता है इन लोगों का प्रशासन में, लालू के बाद अब उनका बेटा नीतीश शाह के कोई दाएं बाएं नहीं है, तो यादव के उनके ऊपर अपना सर रख देना, नीतीश अपना सर उन्होंने कंधे पर रखा हुआ लालू के, उसमें तो कहने का मकसद है कि देखो अगर वो जो कह रहे हैं बात वो अपनी लेवल के कह रहे हैं, उनका अपना पर्सनल है, मैं इस पर कोई जाति वैसी वो टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना बोलने का स्वतंत्र अधिकार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये तो वहाँ की जनता को सोचना चाहिए, जनता को देखना चाहिए उनको इनका प्रशासन चाहिए या नहीं चाहिए। गिरफ्तारी के बाद लगता है बिहार की राजनीति बदलेगी? देखो बदलाव तो आना है ना, वहाँ पर बदलाव को कोई रोक नहीं सकता वहाँ पर यह मैं नहीं कह सकता कि सर इनके वजह से आएगी राजनीति, या जो जुल्म हो रहे हैं लोगों पर, गरीब लोगों पर जो जुल्म हो रहा है उसके वजह से आएगी। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। आतिश ये बताओ कि जिस तरीके से बिहार में जो मनीष कश्यप पे कार्रवाई हुई है, क्या लगता है कि सही हुआ है गलत हुआ है आपके हिसाब से? ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, जिस तरह से बिहारियों को जगाया है देश में जा जा करके, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कहीं भी जाके बिहारियों को जगाया गया, एक बार जाग चुका है, जागने की वजह से साथ साथ नेता भी जग गए, जो हमारी अब कुर्सी चले जाएगी, बिहारी जग चुके हैं, अब हमारी बात जातिवादी चलेगी नहीं, इसके वजह से इस कार्रवाई की गई है। एक कार्रवाई इसको बेफल रहेगा, क्योंकि आज बिहार बंद था पूरा, शांतिपूर्वक बिहार को बंद किया गया था, कोई तरह के हिंसाओं का कोई खबर नहीं आया, लेकिन बिहार के लिए मनीष कश्यप के लिए सपोर्ट पूरे बिहार से नहीं पूरे देश से है, क्योंकि उनके जो वीडियो देखने वाले पूरे देश में है, और सब्सक्राइबर हो गया, फॉलोवर्स पूरे देश के अंदर है, इसके वजह से मनीष कश्यप को ज़्यादा दिन रख नहीं पाएंगे। जो भी ये लोग अपने जब अभी अपना प्रॉपर्टी 600 करोड़ का है उस पर नहीं बोलेंगे, जब ईडी बुलाएगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता, जब ये दूसरे पे कार्रवाई करते तब ये लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है, तब सही तब गलत हो जाता, मोदी तब जिम्मेदार है, और जब दूसरे पे करते तो सही है। आज मैं 12वीं पास हूँ, मैंने 3 बार बिहार में पियोन का जो चाय पानी पिलाते हैं उसके लिए फॉर्म भरा, आज तक रिजेक्ट हुआ, और देश के दुर्भाग्य देखिए, प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए, जो 9वीं पास को मुख्यमंत्री कैंडिडेट देख रहे हैं उसके लिए, उस बिहार के लोग
बदलाव की जरूरत है, सोच उन्होंने बदल चुके हैं। मनीष कश्यप वही जग बिहारियों को जगा दिया, इसके वजह से वहाँ के लोग परेशान, वहाँ के नेता परेशान हैं, जो अब हमारी कुर्सी बचेगी नहीं, जातिवादी चलेगा नहीं, जाति को बिल्कुल उन्होंने नकार दिया। भैया जातिवादी से निकलो, अपना जीजा मत चुनो, सरकार चुनो, नेता चुनो, जाति पे मत जाओ। उन्होंने ये बताया है, जो जाति को पीछे मत भागो, अपने नेता के पीछे भागो जो आपके लिए कुछ करे। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो बिहार में कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है मनीष कश्यप पर, आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने फेक फर्जी वीडियो फैलाया, सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की, आपको क्या कुछ लगता है? देखिए ये मनीष कश्यप को तो एक मोहरा बनाए जा रहे हैं और मोहरा बना करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो बिहार की सच्चाई को दिखाना चाह रहे हैं कि आज की परिवेश में पूरे देश में बिहार की स्थिति क्या है, बिहारियों की स्थिति क्या है। अब देखिए ना, यंग जनरेशन, अभी आप ये भाई ने कहा कि वहाँ मैंने चाय के लिए अप्लाई करा और मुझे जॉब नहीं प्रोवाइड कर सके, जो कहते मैं 10 लाख जॉब दूंगा, तो कहाँ गई उनकी 10 लाख जॉबें? खाली पैनिक हो गया। खाली क्या है कि उन्होंने 600 करोड़ का घोटाला कर दिया, अब वो अपने घोटाले को छपाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कभी मॉल का घोटाला आ जाता तो कभी नए नए घोटाले आ जाते, तो कहने का मतलब खाली क्या है, बिहार को नीतीश कुमार ने, पलटू चाचा ने ऐसे बना दिया है कि बिहार विकास के गुंडा राज हो गया। देखिए अभी आरजेडी के साथ मिलने के बाद वो गुंडा राज ही है, और गुंडा राज पूरे फुल फ्लैश में चल रहा है। और अगर तेजस्वी का नंबर लग गया ना, तो ये कहते हैं कि भाई मैं 12वीं पास हूँ, मेरे को चाय की नौकरी नहीं मिल पा रही है, पर उन्हें क्या है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिल गया। अब देखिए ऐसे लोग अगर चुन के आएंगे तो क्या बिहार का विकास हो पाएगा, ये सोचने का विषय है। और ऐसे ही लोगों को उजागर करने के लिए मनीष ने एक कदम उठाया, तो उनको एक राजनीतिक द्वेष के कारण जेल के अंदर डाल दिया। आपको लगता है कि जिस तरीके से उनको बंद किया गया, जब उनको गिरफ्तारी के लिए जब जा रहे थे, पुलिस उनको लेके साथ में जा रही थी, तो उन रोने लगे थे, अपने जो समर्थक थे उनसे बात भी नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको लगता है कि जो उन्होंने आवाज़ उठाई उस चीज़ को दबाने की कोशिश हो रही है कि बिहार की सच्चाई ना आ जाए सामने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिहार की सच्चाई न दिखे। अब देखिए नीतीश कुमार कहाँ दौड़ रहे हैं, वो केंद्र की राजनीति में दौड़ रहे हैं, और इनको सोच रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाए, और मुख्यमंत्री की अगर इनके बनते ही ना, लालू जैसा राज आ जाएगा, फिर गुंडा राज हो जाएगा, फिर विकास का तो कोई बात ही नहीं करेगा, जो विकास के उसमें बोलेगा उसको अंदर कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है ना, यही चीज़ें हैं कि देश को अगर या बिहार को आगे बढ़ाना है तो बिहार की राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन तभी आ सकता है जब ये गुंडा राज बिहार से ख़त्म हो जाए।